हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे अगर आपके दांत नहीं है, कुछ दांत मिसिंग है और आप फिक्स दांत लगवाना चाहते हैं तो उन्हें कैसे लगाया जाता है दांतों के सपोर्ट से। पेशेंट में दिखाएंगे वीडियो में कि कैसे आपको फिक्स करके दिया जाता है दांतों को। साथ साथ में कॉस्ट की भी बात करेंगे, अप्रॉक्स जो सबसे ज्यादा आप पूछते हैं कि कितना कॉस्ट आ जाएगा, तो अप्रॉक्स कॉस्ट भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ताकि आपको एक नॉलेज हो जाए। तो चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें नोटिफिकेशंस के लिए। अगर आप डेंटिस्ट हैं तो इस वीडियो का यूज आप अपने पेशेंट को एजुकेट करने के लिए कर सकते हैं, या फिर आपके फ्रेंड्स या फैमिली में ऐसा कोई है जिसे फिक्स दांत लगवाना है उनके साथ आप वीडियो को जरूर शेयर कर दें ताकि उन्हें एक क्लियर हो जाए कि दांत कैसे लगाए जाते हैं फिक्स्ड वाले। चलिए समझते हैं। मैं हूं डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। देखिए, अगर आपके कुछ दांत नहीं है, जैसे इस केस में सामने के दांत नहीं है, इसी केस में हम समझेंगे और कैसे लगाते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। तो सामने के तीन दांत मिसिंग है, किसी कारण से निकालने पड़े क्योंकि जो गम सेल थी वो सही नहीं थे, दांत ज्यादा खराब थे तो निकलवाने पड़े। उसके बाद हम हीलिंग का वेट करते हैं, जब घाव अच्छे से भर जाता है, बोन हमारी जो है टूथ लगाने के लायक हो जाती है, इसके बाद आपकी प्रोसेस शुरू होती है। इसमें टाइम लगता है, दांत अगर आपने निकलवाया है इसके बाद आपको घाव भरने का वेट किया जाता है, या फिर अगर आपका दांत पहले से नहीं है, काफी दिनों से नहीं है, तो डायरेक्ट आप स्टार्ट करवा सकते हैं। देखिए, इसके लिए जो आपके साइड के दांत है मजबूत वाले, उनका सपोर्ट लिया जाता है, तो मशीन से दांतों को छोटा किया जाता है, ट्रिम किया जाता है। इजी लैंग्वेज में हम समझे तो जैसा अभी आप फोटो में देख रहे हैं ऐसा प्रिपेयर किया जाता है, जो आपने पहले देखा उन दांतों से इनको छोटा कर दिया जाता है। इसके बाद आपका मेजरमेंट लिया जाता है, मेजरमेंट लेने के बाद लैब से आपके दांत बनकर आते हैं। तो जो अभी आप देख रहे हैं ये कास्ट हम इसको बोलते हैं, और इसके ऊपर जो आप छह दांत देख रहे हैं ये ब्रिज है, तीन दांत सपोर्ट देते हुए और तीन जो बीच के दांत है वो रिप्लेस हो जाते हैं। तो सामने से ये दांत ऐसे दिखते हैं, इसके बाद अंदर से आप देखिए अंदर की तरफ से ऐसे ये दांत दिखते हैं, इनको ही हम पेशेंट में फिक्स करेंगे। चलिए देखते हैं। अब इसको फिक्स करने के लिए सबसे पहले सीमेंट मिक्सिंग की जाती है, जैसा आप देख रहे हैं सीमेंट को मिक्स किया जाता है। इसके बाद इसे जो हमारा प्रोस्थेसिस है, जो हमारा ब्रिज है, इस पे लोड किया जाता है, जहां पर भी हमारे सपोर्टिंग टूथ है वहां पर लोड कर लिया जाता है, भर लिया जाता है। इसके बाद जो हमारे प्रिपेयर टूथ है जिनका हमें सपोर्ट लेना है उनको ड्राई किया जाता है, अच्छे से क्लीन किया जाता है। क्लीन करने के बाद ये जो प्रोस्थेसिस है इसमें ऐसे लगा दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है, और कुछ समय के लिए आपको बाइट करने के लिए बोला जाएगा, चबाने के लिए बोलते हैं पेशेंट को। जब सीमेंट अच्छे से सेट हो जाता है तो फिर इसको खुलवाया जाता है, जब दांत फिक्स हो जाता है। इसके बाद साफ करेंगे, सारे दांतों को साफ करते हैं, और ये फाइनल जो फिक्स्ड प्रोस्थेसिस है वो कंप्लीट है, जैसा आप अभी देख रहे हैं। तो ये बिफोर और आफ्टर पिक आप देख रहे हैं, दांत लगाने के पहले और फिक्स दांत लगाने के बाद कैसे दिखते हैं। अब अप्रॉक्स कॉस्ट की अगर हम बात करें तो कॉस्ट होती है आपके नॉलेज के लिए, कि एक आइडिया आपको हो जाए। सभी जगह में अलग होता है मटेरियल के अकॉर्डिंग, जगह के अकॉर्डिंग। तो मेटल सेरेमिक जो है लगभग 3000 से स्टार्ट हो जाता है सिंगल टूथ। अब ब्रिज में आपके जितने भी दांत रहेंगे उतनी कॉस्टिंग आपकी आएगी, किसी का कम ब्रिज होता है, चार दांत का होता है, तीन दांत का, इससे ज्यादा भी हो सकता है, और मटेरियल पे डिपेंड करता है। 3000 से स्टार्ट होता है, जितना अच्छा मटेरियल आप लगवाना चाहें ये आप पे डिपेंड करता है, आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे। चलिए, होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और शेयर करिए जिनको भी इस वीडियो की जरूरत है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।